पुलिस की बेरहमी को लेकर तस्वीरों में जो कुछ कैद हुआ उसने पुलिस की गरिमा और शान पर एक दाग लगाया। तस्वीरें सामने आई तो आला अधिकारियों की नींद भी खुली और उन्होंने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन सरेआम अंजाम दी गई इस वारदात ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। बेरहमी की इंतहा की तस्वीर हम आप और दुनिया ने देखी, किस तरह से सतना पुलिस एक लाचार और बेबस मानसिक रोगी के साथ व्यवहार कर रही है, कैसे सरेआम उसे लाठियों से पीटा जा रहा है। अब जरा सोचिए कि क्या रामकृष्ण अग्रवाल को काबू करने का पुलिस के पास कोई और रास्ता नहीं था? यकीन नहीं, क्योंकि पुलिस को जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उस मुताबिक पुलिस वाले हमेशा शांति कायम रखने की कोशिश करते हैं। किसी भी शख्स को मुसीबत से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हुआ। एक मानसिक रोगी को बेरहमी से पीटा कर दिया कि मानसिक रोगी रामकृष्ण अग्रवाल बल्कि खुद पुलिस मौके पर विवेकहीन सी हो, लेकिन जब सतना पुलिस का अपना चेहरा मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आया तो फिर सच कैसे छिपा रह सकता था। लिहाजा जैसे ही तस्वीर मीडिया में आई और इस मामले की खबर पुलिस के आला अधिकारियों को लगी, अधिकारियों ने फौरन कार्रवाई करते हुए मानसिक रोगी के साथ बेरहमी से मारपीट करने के इल्जाम में टाउन इंस्पेक्टर VS जग्गी को सस्पेंड कर दिया। साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों पर भी कानून की गाज गिरी। इस संबंध में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है, लेकिन इस वारदात साबित कर दिया कि कैसे पुलिस वाले दरिंदे बन बैठते हैं और फिर उनके लिए इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं बचता। सतना से वीरेंद्र तिवारी, इंडिया न्यूज। तो ये तो बात थी पुलिस की बेरहमी की, लेकिन बिहार में पुलिस और पब्लिक दोनों ने मिलकर उठा दिया इंसानियत का जनाजा। आखिर कैसे, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।